ईडी ऑफिस पहुंची जैकलिन फर्नांडिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिकॉर्ड करेंगी अपना बयान। एक्ट्रेस के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन ईडी के सामने पेश हुई है। बता दें कि ईडी के दिल्ली ऑफिस में एक्ट्रेस को 200 करोड़ वसूली के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। ऐसे में एक्ट्रेस को आज दिल्ली के ईडी ऑफिस में देखा गया। जैकलिन को ईडी के दफ्तर में बतौर गवाह आज पूछताछ होने वाली है। बता दें कि इससे पहले भी जैकलिन से मुंबई एयरपोर्ट पर कई घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जैकलिन से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों ने 50 सवालों की लंबी लिस्ट बनाई। इसमें सुकेश चंद्रशेखर के वसूली धंधे समेत जैकलिन के सुकेश के रिश्ते पर भी सवाल किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। एजेंसी को आशंका थी कि जैकलिन देश छोड़कर भाग सकती है। पिछले रविवार शाम को वो फ्लाइट पकड़ने ही वाली थी, तभी उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और ऐसे में जैकलिन की घर वापसी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस के मास्टरमाइंड सुकेश ने जैकलिन को 10 करोड़ रुपए के महंगे तोहफे दिए थे। इसमें BMW कार, अरेबियन घोड़ा, 4 बिल्लियां, फोन और ज्वेलरी समेत काफी पैसा जैकलिन के अकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया था। वही कुछ समय पहले जैकलिन और सुकेश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई थी, जिसमें दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज नजर आ रहे थे। वेल, अब इस केस में आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और बॉलीवुड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।